प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो टॉप 30 हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज के सीरीज के अंत तक आप बने रहिएगा कॉपी कलम लेकर, क्योंकि सीरीज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, देशित में राष्ट्रहित में है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये पर्यावरण का भी प्रश्न है, भूगोल का भी प्रश्न है, विश्व भूगोल का भी प्रश्न है, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है ऐसे प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। और जल्दी से जवाब देकर बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी लोग फटाफट कॉमेंट करेंगे, चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा। कॉमेंट करने के बाद देखिए प्रश्न के व्याख्या करिए, ठीक है, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए ये हमारा अगर भारत की बात करें, अगर हम ये माना ये हमारा भारत है, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके अध्ययन के लिए, समझने के लिए हमने काम चलाओ बना दिया, ताकि आपके जहन में आ जाए कि हाँ ये भारत का मैप है। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये निम्नलिखित में से कहाँ पे, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी, आइए ध्यान से देखते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर हम ग्रीष्मकालीन मानसून की बात करें, संपूर्ण भारत में वर्षा होती है, जबकि लौटते मानसून से केवल केवल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में, मतलब अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में लौटते मानसून से वर्षा होती है। लेकिन अगर यहाँ पर दिए गए प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें और आप सोचें, तो यहाँ इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है आपका पश्चिमी तट, क्योंकि पश्चिमी तट यहाँ पे ग्रीष्मकालीन मानसून से जो हमारे वर्षा होती है इसी वजह से होती है। ठीक है, आप लोग वीडियो को जल्दी से फटाफट अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए, हो गया, सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? यहाँ से संपूर्ण भारत में वर्षा होती है, याद रखिएगा, कहाँ कहाँ होती है एक तरह से लिख लीजिएगा, संपूर्ण भारत में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं ना, वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी साथी चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, वो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएं, जल्दी फटाफट कमेंट करिए आप सभी साथी। कपास, देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, कपास विश्व में कहाँ है और एक दूसरा भारत में कहाँ, तो दोनों प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सभी को देना है। क्या आप लोग तैयार हैं प्रश्न का जवाब देने के लिए? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, कपास सबसे ज्यादा, अच्छा जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है पता है? जूट, ये भी प्रश्न आता है, जूट, देखिए जूट सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होता है, जूट दुनिया में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य पूछा जाए तब क्या होगा, कमेंट जरूर करिएगा। और गुजरात कपास के मामले में सबसे ज़्यादा ज़्यादा कपास कहाँ पर होता है? गुजरात में। उसके बाद दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, यहाँ से परीक्षा में प्राय प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्या आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, बताइए लीजिए कमेंट करके। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जूट भारत में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया, यहाँ से प्रश्न आपके आता है। और विश्व में अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश। अगला, निम्नलिखित में कौन सा राख का कारण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राख का कारण क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम यूनिक प्रश्न है और आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न या वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, पैसे नहीं कटेंगे आप लोग को। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, जब कोयला जलाएंगे, सीधी सी बात है, जब कोयला दहन करेंगे तब यहां से क्या लिखने की राख निकलेगी ना, ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब ज्वारी ऊर्जा से राख नहीं निकलेगी, नाभिकीय ऊर्जा से नहीं निकलेगी, जल विद्युत ऊर्जा से नहीं निकलेगी, तो मतलब यहाँ पर आपने देख लिया कि छोटा सा सवाल है और केवल कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्न में अपने दिमाग का प्रयोग करना है। और उसी के बाद इसीलिए हम कहते हैं कि जब ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे, लगातार क्लास में बने रहेंगे, तो ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपके अपने आप क्लियर होते रहेंगे। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, थैंक यू आप सभी का शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगला सवाल, अलकनंदा के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी इस वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट कर बताइएगा। देखिए एकदम आसान सा प्रश्न, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ शहर स्थित है। यह नदी कर्णप्रयाग से निकलती है। यह नदी उत्तराखंड, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल जिले से बहते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग में कौन कौन नदी मिलती है? इधर से अलकनंदा मान लेते हैं, अलकनंदा, इधर से भागीरथी, और यहीं से क्या बनती है? गंगा बनती है। एक प्रश्न याद रखिएगा, गंगा कहाँ से? देवप्रयाग में गंगा बनती है। आगे जब हम लोग नदी का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसे और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए आप सभी का सही और राइट आंसर है। ठीक है, लखनऊ किस नदी किनारे बसता है? गोमती नदी। अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? सरयू नदी। इलाहाबाद संगम पर बसा है, ठीक, गंगा यमुना के संगम पर बसा है। अगला सवाल, भारत में तीन प्रमुख नदी प्रणालियां बनी हैं, जो सिंधु गंगा और कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये डायरेक्ट आप लोग को पढ़ाया जाता है कि भैया तीन प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, गंगा, यमुना और कौन सी है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी भाई सिलेक्शन लेना है तो बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा होगा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा आपका माना है हमारा भारत है। देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है कि मानसरोवर झील से निकलती है, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है दिहांगार से, दिहांग नाम से। दिहांग नदी और आगे जाती है, असम में पहुंचती है, तो इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है, इसको जमुना कहते हैं, ठीक है। यहीं पर असम में सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है ये, क्या कहती है? असम में सबसे बड़े नदी द्वीप का भी निर्माण करती है, मांझली द्वीप। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं? असम में कहते हैं। जब निकलता है तब इसे सांगपो कहते हैं, यहाँ पर सांगपो होता है। फिर ये दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करता है, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना, फिर यहाँ पे आगे आने के बाद इधर से आपकी पद्मा मिलती है, दोनों मिलने के बाद आगे जाते हैं तो ये मेघना हो जाती है, ठीक है। नदी वाले चैप्टर में इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर? किसी के मन में कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं उतने लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अपने सभी साथी ग्रुपों में शेयर कर दें, साथ ही अपने स्टेटस पर डाल दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर शेयर कर दें। अगला सवाल है, चंबल नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यहां से प्रश्न आता है, नदी किनारे बसे प्रमुख शहर, ठीक है। भारत के मैप की सीरीज में भारत की जो भारत का मानचित्रण भी जल्दी आप लोग के लिए शुरू करने वाले हैं, एक दो दिन के बाद आपके लिए मानचित्रण की सीरीज शुरू होने वाली है, ठीक है। मानचित्रण की सीरीज आप लोग को शुरू होगी, आप लोग टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़े रहिएगा। देखिए चंबल नदी के तट पर, बहुत ही आसान प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, तो जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट बताइएगा। देखिए यहाँ पे चंबल नदी किनारे कोटा शहर बसा है, इसके बारे में जान लीजिएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है, कहाँ पे? यमुना में। लेकिन यमुना में कहाँ मिलती है? उस जगह का नाम है इटावा। इटावा कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे कई प्रश्न आपके तैयार हो गए। कोई दिक्कत, किसी को कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, प्रश्न पूछेगा। हाँ जल्दी मैं मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से मैं वर्ल्ड मैप पहले शुरू करूंगा, विश्व के महाद्वीप को लेकर हुए पढ़ते हुए आगे चलूंगा, फिर उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत की सीरीज। तो उसके लिए मुझे 1 से 2 दिन का वक्त चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है, वह गंगा नदी में आकर मिलती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ये भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न काफ़ी समझ में
आ जाएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी फटाफट कमेंट कर बताएं। देखिए यहाँ पे अगर हम भारत का छोटा सा मैप बनाते हैं, काम चलाऊ मैप, तो कुछ इस तरह से बनता है। चलिए माना ये हमारा भारत था, काम चलाऊ। ये हमारा भारत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेपाल है, नेपाल ऊंचाई पर, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, देखिए ध्यान समझने का प्रयास करिएगा कि नेपाल यहाँ पर है, ऊंचाई पर है। अब नेपाल से जब नदी निकलेगी या ऊंचाई से नीचे ढाल है, यहाँ बिहार में आ रही है, ध्यान दीजिएगा। अब नेपाल से बिहार में एक ढाल तीव्र मिला, और जब ढाल तीव्र मिलेगा तो तेजी से उसका पानी आएगा, लेकिन जब वर्षा ऋतु होगी तो पूरे नेपाल का पानी लेकर, मतलब नेपाल के ज़्यादा क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों का पानी लेकर वो धीरे से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। जैसे ही बिहार में पहुंचेगा तेजी से बिहार में पानी आ जाएगा और बिहार में खूब बाढ़ आएगी। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आएगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये आना शुरू होगा तो क्या होगा, रास्ते तेज़ी से बदलेंगे। देखिए मैं मैप थोड़ा सा सही नहीं बन पाया था, जैसे माना ये भारत है, ठीक है। तो जब यहाँ तेज़ी से ये भारत की तरफ प्रवेश करेगा, तो जैसे यहाँ देखिएगा, ये मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है, यहाँ जैसे नदी बह रही है, इसे हम कहते हैं मियांडर नदी। कौन सी नदी कहते हैं? हम इसे कहते हैं मियांडर नदी कहते हैं। लेकिन जैसे कभी जब धारा तीव्र होती है तो ये नदी यहीं से सीधा निकल जाती है, यहीं से निकल जाती है, तो ये जो बसता है इसे कहते हैं ऑक्स लेक। क्या कहते हैं? ऑक्स लेक। ऑक्स लेक से मतलब इसे गोखुर झील कहते हैं, और ये मियांडर नदी होती है, विसर्पित नदी कहते हैं इसे। तो कहते हैं कि ये नदी रास्ता बदलने के लिए विख्यात है भारत में। इस प्रश्न का उत्तर है कोसी नदी। हाँ जी हाँ, ये माना भारत है, माना भारत है, क्योंकि गणित भी की तरह। तो यहाँ पर हमने आपने देखा ये कोसी नदी हो गई। तो कोसी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कोसी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। कोसी क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पूर्ववर्ती नदी है जिसकी लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 730 किलोमीटर है, ठीक है। यह एवरेस्ट के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। इसके अलावा नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते हुए पश्चिम की ओर सुनकोसी तथा पूरब की ओर तोसी से मिल जाती है, तमूर से। एक सुनकोसी और तमूर से मिलती है। प्रायः मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि जब ये बाढ़ आएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि जब यहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाएगा तो ये बिहार में जब पहुँचेगी तो खूब बाढ़ आएगा ना, बरसात ऋतु का पानी लेकर ऊंचाई पर से आ रही है, धारा तीव्र होगा, इसलिए रास्ता बदलती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए सही और ए राइट आंसर है। क्या सबको समझ में आ गया, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं? चलिए अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांगपो कही जाती है? अभी आप लोगों को हमने ऊपर बता दिया, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। और कावेरी को, कावेरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को याद रखिएगा। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, काली गंगा किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी को जब इसका उद्गम होता है तब इसे हम सांगपो कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है तब उसे हम मेघना कहते हैं। अभी इसके ऊपर वीडियो में हमने आपको अच्छी तरीके से समझाकर बताया था, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। मैं फिर से कहें तो मैं मैप बना के बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है। आप लोग भले सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन हमारा बस एक ही मोटो है कि आपका सिलेक्शन हो। चलिए सही नहीं बना, लेकिन यहाँ से सांगपो निकलती है, यहाँ पर इसको कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। यहाँ पे इसे दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग। असम में पहुँचती है, असम में इसे क्या कहते हैं? असम में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। यहाँ जब पहुँचती है तब उसे कहते हैं जमुना। इधर से गंगा आती है, गंगा नदी और ये दोनों मिल जाते हैं तब इसे मेघना कहते हैं।
तब इसे कहते हैं मेघना। गंगा को यहाँ क्या कहते हैं? पद्मा। यहाँ पे क्या कहते हैं गंगा को? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? पद्मा। तो यहाँ पर हमने देख लिया शांगपो, देहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना, ये इसके नाम है। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। अगला, मृत जीवी किस पर निर्भर रहते हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। आपकी संख्या इतनी कम रहती है यार, मुझे लगता है यार इतनी मेहनत से भी आप लोग को पढ़ा लिया जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, लोगों तक पहुंचाने में मदद करिए आप लोग। मृत्युजीवी किस पर निर्भर करते हैं बताइए? देखिए, जीवित पौधों पर, जीवित पशुओं पर? जी नहीं, ये मृत और क्षय, जैसे कोई गधा है या कोई गधा ही है, जब मर जाती है पहले खूब मोटी होती है, फिर पतली होती है, फिर गायब हो जाती है। मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है, या कोई गधही मरती है, कोई गधा मरता है, कोई जीव मरता है, मृत हुआ या कोई क्षय सामग्री है, तुरंत उस पर क्या होते हैं? मृत जीवी लग जाते हैं, मैंने उन्हीं पर वो आश्रित होता है। इसलिए इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही ये होगा। अब बताइए, जीवित पौधों में और किसी जीवित पशु में कभी डिकम्पोजर लगेंगे? जब आदमी मरता है, जब गधही मरती है, तभी डिकम्पोजर लगते हैं ना। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वातावरण में पोषण पदार्थों को पुनः चक्रण करने में सहायक सुनिश्चित सूक्ष्म जीवों को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जल्दी कमेंट करिए, जवाब दें। हाँ जी, कोई बात नहीं, जो राइट है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िए, कोशिश क्या करिए कि नोट्स बनाइए, क्योंकि हर बार जब क्वेश्चन आएंगे नई चीजें मिलेंगी। वातावरण को पोषक पदार्थों को पुनः चक्रण करने में सहायक सुनिश्चित क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पादप था, पेड़ था, गिर गया। जब गिर जाता है पेड़ तो क्या होता है? तुरंत डीकम्पोजर लग जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये शाकाहारी था, ये आपका पादप थे, ये शाकाहारी था। इस शाकाहारी में मान लीजिए कोई गधा गधई थी, गधैया मर जाती है, और जब मर जाती है तुरंत इसमें डीकम्पोजर लग जाएंगे। तुरंत क्या करेंगे? डीकम्पोज, गधा मर गया, डीकम्पोज। मान लीजिए इस गधा को शेर खा गया, शेरवा मर गया तब गायब, मनहीन शेर को खा गया तब। मतलब यहाँ पे देखेंगे हर दशा में आप घटक, मन उन्हें पुनः चक्रण करने में सहायक क्या होती है? अपघटक। माने अपघटक, जैसे कोई गधा ही मर गई, कोई गधा मर गया, अब क्या करेंगे? गधा ही गधा डीकम्पोज, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लिए हैं, कार्बन डाइऑक्सीजन लिए हैं, सब कुछ तोड़ तोड़ के अलग कर देगा। मतलब कि गधैया गधावा जो हम खाए पिए हैं, कहते हैं ना पंचतत्व में विलीन हो जाना, तो यही पंचतत्व तो है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका सही और राइट आंसर है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए, डाइस्टेज एंजाइम का प्रमुख स्रोत क्या है? चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। डाइस्टेज एंजाइम लार ग्रंथि में उपस्थित होती है। कहाँ पे? ये लार ग्रंथि में उपस्थित होती है। ये डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। सबसे पहले इसी एंजाइम की खोज हुई थी। सबसे पहले क्या होती है? इसी एंजाइम की खोज हुई थी। ठीक है, अगला, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये निःशुल्क क्लास आप सभी को देशित में, राष्ट्रित में महत्वपूर्ण है। यह क्लास आपको फेसबुक पेज, यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी जान लें यह क्लास कहाँ चल रहा है, निःशुल्क लाइव चल रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। ठीक है, उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला और भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 बनी थी, हमने पढ़ा दिया था। इनकी प्रसिद्ध रचना है ब्रोकन विंग तथा वर्ल्ड ऑफ टाइम, गोल्डन थ्रैशोल्ड, ये उनकी रचना है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सुचिता कृपलानी क्या थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री। विजयलक्ष्मी पंडित भी कुछ थी, तो आप कमेंट करके बताइएगा विजयलक्ष्मी पंडित भारत की सबसे पहली क्या थी। संविधान में
किस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद देखिएगा, महाभियोग चलाने के लिए जो संविधान में लिखा गया है वह केवल राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि इसका शब्द का प्रयोग और किनके किनके लिए किया जाता है। देखिए, विजयलक्ष्मी जो पंडित थी वो 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। याद रखिएगा, विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। देखिए, आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, संविधान में किस पर महाभियोग? भारत के मुख्य न्यायाधीश पर, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पर, लेकिन राज्यपाल पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति चाहे जब चाहे ने हटा दे। अर्थात इसलिए इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो ये होगा। ठीक है, देखिए राज्यपाल के लिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे पद, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अगर यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो यहाँ पे अनुच्छेद 124 उपखंड 4 है, उच्च न्यायालय की बात की जाए तो अनुच्छेद 217 है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जो गलत है वही सही है, माने सी प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। क्लियर? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास सुरक्षित रख लें। अगला, संविधान की संकल्पना का उद्भव, सबसे पहले कहा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षाओं में बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। बताइए सबसे पहले संविधान कहाँ आया? देखिए, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के पास आया। ठीक है, इसकी पुष्टि कब की गई थी? 21 जून 1788। देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये पुष्टि की गई थी। अमेरिका संविधान में सम्मिलित अधिकार जो पत्र है, बिल ऑफ राइट, भी हमारे मूल अधिकार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो अमेरिका का अधिकार पत्र था, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, ब्रिटेन संविधान अलिखित है, सबसे कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और सबसे पुराना भी है। हाँ, जापान में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। देखिए, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर तो ये होगा नहीं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो होगा नहीं, मतलब यहाँ पे ये प्रश्न हम लोग गलत कर देते हैं। अब ऊपर बताते हैं, ठीक है, यहाँ पर जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, भारत के संघ के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको लगाएंगे तो इस सही जवाब होगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है राष्ट्रपति में, राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में तो निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। यहाँ पे राज्यपाल के पास, राष्ट्रपाल के पास जो होती है कौन सी शक्ति होती है? कार्यपालिका की शक्ति होती है, कार्यपालिका की की शक्ति होती है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री दोनों दिया है, तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये आप लोग जानते रहिएगा। अगर परीक्षा में आप सी उत्तर लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा, अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री भी दिया, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक पूछा है। ध्यान दीजिएगा, केवल वास्तविक पूछा, अगर यहाँ पे वास्तविक न दिया होता तब इस प्रश्न का उत्तर आप सी लगा सकते थे। ऐसे इस प्रश्न का उत्तर सी न होकर ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर? चलिए ठीक है, हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी चर्चित प्रश्न है।
मैं चाहूँगा इस प्रश्न को आप लोग जरूर जानते रहिएगा, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोगों ने जवाब दिया है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी जवाब दें। देखिए यहां पर क्या होगा, कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान यह तय किया है कि मध्य प्रदेश में अवस्थित, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित कूनो पालनपुर या पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के निवास के लिए बहुत उपयुक्त है। गुजरात के गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कुछ शेरों को कूनो पालनपुर जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी सही है। कूड़ा निस्तारण की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। कूड़ा निस्तारण सभी लोग फटाफट देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप लोग जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे सभी क्लासेज आपको, सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास यहाँ से निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में सभी के लिए चल रही है। अब की बार एक सीट हमार। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कूड़ा निस्तारण की सबसे अच्छी विधि जो होती है वो भूमि भराव होती है। इसमें ठोस तथा हानिकारक अपशिष्टों को भूमि के गहरे नीचे दबा दिया जाता है। इसे टिप डंप, इसे क्या कहते हैं पूछ लेगा परीक्षा में, टिप डंप, तो टिप डंप कहते हैं। कहीं कहीं इसे रविश डंप कहते हैं, इसे कहीं कहीं क्या कहते हैं, रविश डंप कहते हैं। कहीं कहीं इसे गार्बेज डंप कहते हैं। सबका मतलब यही है, गार्बेज डंप कहते हैं। तो ये परीक्षा वाले प्रश्न है जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। ओवरऑल मिला जुला इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह सी इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया सबका, किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा जितने वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहां पर है, देखिए डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि हर क्लास की आपको लिंक मिल जाए और आप लोग नोटिफिकेशन अपना जरूर ऑन कर लें। बताइए उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहां, बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज, पीलीभीत, कहां पे? एकदम आसान सा प्रश्न है, जी हां इटावा में। अभी हमने पढ़ा था ना, चंबल नदी इटावा में आकर यमुना नदी से मिलती है। मानिस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा, बीस का सही और राइट आंसर होगा। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। अच्छा आपका पड़ोसी जिला, चलिए ठीक है, कभी आते हैं आपके जिले में। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तीन सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है, वही आपको बताना है। देखिए समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, नवाबगंज पश्चिम बिहार इलाहाबाद, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई। लेकिन जो नवाबगंज पश्चिम अभ्यारण है यह उन्नाव में है। ये कहाँ पे है, उन्नाव में है। कितने लोग हैं उन्नाव से, रायबरेली, इलाहाबाद, संत कबीर नगर, हरदोई? यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, बी। ठीक है, सबका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यूपी स्पेशल का सीरीज में सवाल है, पर्यावरण में जो यूपी स्पेशल है वहां से ये प्रश्न आपके पूछा गया है। अगला, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां पर है? दलील बताइए। नोएडा में इसका सही जवाब है, नोएडा सही जवाब है, ग्रेटर नोएडा में नहीं है, नोएडा में। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिए, डेली टाइम से क्लास आइएगा, इसके बाद अगली क्लास है। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है,
ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। अपना वाला ऐसे ही अब चलेगा। हम उससे चलता है सेटअप। है सिस्टम देखिएगा, अभी देखा जाता है। दुधौरा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? बाट उसके लिए बनाना होगा। देखिए, दुधौरा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यह लखीमपुर खीरी में है। यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी है। यहां पर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? एकदम आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग पहले से जानते होंगे। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? देखिए, जिस समय बारिश होती है उसमें लोग कखागा पढ़ते हैं, ठीक है। जिस समय बारिश होती है उस समय लोग कखागा पढ़ते हैं, खास से खरीफ फसल। जिस समय छमाही परीक्षा बच्चों की होती है उस समय रबी परीक्षा में फेल हो जाता है, रबी की फसल होती है। जिस समय रबी एनुअल एग्जाम में पास होता है तब कहता है अब तो हम जाएंगे घूमने, तब वो जायद की फसल होती है। तो यहाँ पे जून जुलाई के दौरान बोई जाती है, माने वर्षा ऋतु के बाद, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपकी होगी, देखिए ये रबी होगी, ये खरीफ होगी, ये जायद होगी, ठीक है। ये तीनों फसल का टाइम है बोने का, एक नियर अबाउट है, एक महीने का के पीछे। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? अपने आप पर व्यस्त। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है आगरा, कानपुर, फिरोजाबाद, खुर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। हाँ जी जी, ऐसे क्वेश्चन ही आपके लिए लाए जाते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि हम वही सीरीज लेकर आते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। खुर्जा, देखिए खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा एक केंद्र की स्थापना किए गए अगस्त 1981 में, उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित वित्तीय समर्थन देने पर जब राज्य हुआ था तब। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, ये आज का आखिरी प्रश्न है। ऑनलाइन क्लास है, नोट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा, डेली क्लास की लिंक आप लोग जुड़े रहेगा, पूरे दिन क्लास चलती है लर्निंग विद दुर्गेश पर। इसीलिए मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ, आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और ये सभी क्लासेस जौनपुर जनपद सिराजन पर उपलब्ध हैं, फ्री क्लास है। और ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर वन रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो लगभग 5% है, लगभग 5% है। यहाँ पे 5% के नियर अबाउट अगर कोई विकल्प देखा जाए तो बी है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हम कहाँ ले जाएंगे? बी लेकर जाएंगे, ठीक है। इसी के लिए आपके साथ सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। हाँ देखिए, आपकी क्लास में जैसे मिट्टी हुआ, हवा हुआ, कुछ खेल हुए, मेला हुए, इसकी सीरीज बाई सीरीज आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। आप सभी लोग उस सीरीज को भली भांति तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि वह सीरीज आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। ये आज की आखिरी प्रश्न था, इसके बाद अगली क्लास कुछ देर के बाद होगी, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डेली क्लास में आप लोग टाइम से लाइव आया करिए, अगर आपको पूरी क्लास पढ़नी हो तब। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।